हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको दे रहे हैं डेमो वीडियो यूपी टीजीटी एंड पीजीटी इंटरव्यू। अगर आपको चाहिए टीजीटी पीजीटी में 40 प्लस मार्क्स, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड रंग का बटन है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट।
समानता श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़कर अथवा घटाकर प्राप्त होता है उसे हम समानता श्रेणी कहते हैं, या यूं कहें ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर होता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर होता है उसे हम समानता श्रेणी कहते हैं। समानता श्रेणी का अंत से nवे पद का सूत्र क्या है? समानता श्रेणी का अंत से nवे पद का सूत्र टी एन डैश बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी है, जहां एल अंतिम पद, एन पदों की संख्या और डी सर्वांतर है। यहां टी एन डैश इसलिए लिखा है क्योंकि प्रारंभ से हम nवे पद को टी एन अथवा ए एन से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने अंत से nवे पद को टी एन डैश अथवा ए एन डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। जीपी के अनंत पदों के योग का सूत्र बताइए। जीपी के अनंत पदों के योग का सूत्र एस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर होता है, जहां ए जीपी का प्रथम पद और आर जीपी का सार्वानुपात होता है। क्या जीपी के अनंत पदों के योग का सूत्र एस इन्फिनेटिव ए अपॉन आर माइनस वन हो सकता है? जी नहीं सर, अनंत पदों के योग के लिए सानुपात r का मान एक से छोटा होना जरूरी है। अगर r की वैल्यू एक से अधिक हो जाएगी तो पूरी श्रेणी में जो सूत्र है वो पूरा ही इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए r की वैल्यू एक से छोटे होने पर ही अनंत पदों के योग का सूत्र पॉसिबल है, यानी कि अनंत पदों के योग हम निकाल सकते हैं। क्या AP में अनंत पदों का योग ज्ञात किया जा सकता है? एपी में अनंत पदों का योग ज्ञात नहीं किया सकता, क्योंकि एपी में एन पदों के जो योग होता है उसमें एन इंटू में होता है, और एन इंटू में होने की वजह से अनंत पदों का योग नहीं निकाल सकते। अगर हम एन के स्थान पे इनफाइनाइट रखते हैं तो पूरे फॉर्मूला ही इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए अनंत पदों का योग एपी में ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्रमचय एवं संचय में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। क्रमचय, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम को हम क्रमचय कहते हैं,
और अगर हम उनके क्रम पे ध्यान न दें तो बनने वाले समस्त समूह को, ग्रुप को, समिति को हम संचय कहते हैं। जैसे 17 व्यक्ति हैं, अगर हम 17 व्यक्तियों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहें तो वो क्रमचय होगा और वो 17 फैक्टोरियल तरीके से एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। उसके विपरीत यदि हम 17 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों की टीम बनाएं तो वो संचय होगा और इसका जो संचय होगा वो 17C11 होगा। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता एक अनुमान है, अर्थात किसी घटना के घटने अथवा न घटने का जो अनुमान होता है उसे ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो इंडिया के जीतने अथवा हारने का जो अनुमान होगा, संभावना होगी, उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता एक अनुपात भी होता है, अर्थात अनुकूल प्रकार यानी फेवरेबल केस और कुल प्रकार यानी टोटल आउटकम्स का जो अनुपात होता है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। सरल घटना किसे कहते हैं? सैंपल स्पेस का अगर किसी घटना में केवल एक एलिमेंट हो तो उसे हम सरल घटना कहते हैं। जैसे अगर हम किसी पासे को उछालें तो जो सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर 1, 2, 3, 5, 6 यानी 6 एलिमेंट होंगे। और इसमें हम कहें कि सम अभाज्य अंक आने की घटना बताइए, तो सम अभाज्य अंक की जो घटना होगी उसमें केवल एक एलिमेंट 2 होगा, क्योंकि इस घटना में केवल एक एलिमेंट है सैंपल स्पेस का, अतः यह जो घटना है वो एक सरल घटना है। अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? जब दो या दो से अधिक घटना घटने वाली हों और उनमें से केवल एक घटना घटे बाकी फेल हो जाए तो उस घटना को हम अपवर्जी घटना कहते हैं। जैसे एक कॉइन को अगर हम थ्रो करें तो कॉइन में हेड या टेल, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता और टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता, यानी दोनों में से केवल एक ही घटना घटेगी, तो यह एक अपवर्जी घटना है। या यूँ कहें अपवर्जी घटना जो होती है उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो रिक्त होता है, फाई होता है। समुच्चय किसे कहते हैं? यानी सेट किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड थिंग्स सेट टू बी सेट, अर्थात विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, समूह को, ढेर को अथवा समूह को हम समुच्चय कहते हैं। इसे हम मजला ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो समुच्चय के अवयव एलिमेंट कहलाते हैं, और इक्वल में जिस वर्ड से हम डिनोट करते हैं उसे कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं। घात समुच्चय किसे कहते हैं? यानी कि पावर सेट किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट सेट टू बी पावर सेट, यानी कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहते हैं। संबंध किसे कहते हैं? रिलेशन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी होती हैं तो उस नियम को हम संबंध कहते हैं। डेफिनेशन, समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर एक ऐसा उप समुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। फलन अथवा फंक्शन किसे कहते हैं? समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट की अगर समुच्चय बी में यूनिक इमेज बनती है तो उसे हम फलन कहते हैं। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं, अगर समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर, समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर फलन कहलाता है यदि उस संबंध के प्रथम अवयव एक जैसे ना हो, अर्थात प्रथम अवयव डिफरेंट हो। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको इंटरव्यू का एक जनरल आइडिया दे दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, इससे मिलते जुलते कुछ अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ये मैंने एक आइडिया दे दिया है, बस आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, उनको थ्योरी को बहुत अच्छे से
प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से याद करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मिरर यानी आईने के सामने खड़े होकर रोज़ प्रैक्टिस करें। और इसके लिए मैंने जैसा कि बताया था, एक डायरी मेंटेन कर लें और कम से कम 10 प्रश्न रोज़ उस पर लिखें और शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप वहाँ इंटरव्यू में जाएं तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप दें, हो सकता है कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको ना आए, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप स्पष्ट रूप से बोल दें, सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं आता है। इस वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जो उत्तर मैंने दिए हैं, ज़रूरी नहीं है आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही उत्तर देने हैं। हो सकता है आपका जो आइडिया है, आपको जो बोलने का तरीका है, वो मेरे से भी अच्छा हो सकता है। तो आप, ये तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, और इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप उनसे संतुष्ट ना हो, तो आप अपने आंसर अपने अनुसार दें। ये तो केवल मैंने एक आइडिया दिया है, आप इससे भी बेहतर तरीके से उत्तर इंटरव्यू में दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे पहले भी मैं इंटरव्यू की और वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखनी है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं, उनका लिंक वीडियो के अंत में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।